नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण। मेरे साथ हमारे एक बिल्कुल यंग टीम मेंबर पवन गुप्ता सर। आज हम 23 मार्च 2023 को फिजिक्स इको का पांचवें पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि 6 इको के पेपर का शेड्यूल हमने आपको दिया था, 6 में से आज आप पांचवें कर रहे हैं। 17 को हुआ, 18, 19, 20, 21, 23 और कल 24 के बाद आपका शेड्यूल खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप जानते हैं 30 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा डायमंड टेस्ट सीरीज जो 4 मई तक चलेगी। ओके डियर दोस्तों, ये सेंटर टेस्ट आप जो हमारी ऑफलाइन सेंटर्स हैं यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पूरे देश में आप कहीं भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे 6 पैकेज बुक्स हैं, वो आप अरेंज कर सकते हैं। आओ आते हैं सॉल्यूशन में आते हैं डियर। तो पवन सर, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। MEC है, मैग्नेटिज्म है, EMI है, AC है, EMW है। मान के चलो 45 में से 5-6 क्वेश्चन तो 7 क्वेश्चन मान चल सकते हैं। ओके, हाँ तो अपन शुरू करें। पहला क्वेश्चन अपना कि द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब EMW में इलेक्ट्रिक ई और बी का रेशियो क्या है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट एग्जाम आता है भैया, 1:1। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आता है दोस्तों, वही बात है कि आपका जो ये ई और बी है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं और इनके बीच एंगल हमेशा 90 होता है। ई और बी हमेशा 90 होता है और इसका कहता है इनका रेशियो क्या है? तो ई क्रॉस बी होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे क्वेश्चन डियर, अगला क्वेश्चन फिर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो ये पूछा जाता है ई और बी इंटेंसिटी है तो इनमें से विमाहीन फॉलो इस डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन लेस कौन है? तो देखो, मुझे एक चीज याद आ रही है इसमें, मैग्नेटिज्म का टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, तो वहां वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आता है E/B, राइट? बिल्कुल। तो E/B भी क्या होता है? V। तो ये भी क्या है? वेलोसिटी। और एक डियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो ये किसकी वेलोसिटी है? 1/c। तो ये V/c कट गए तो ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया। अच्छा, आंसर हो गया फर्स्ट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, आपको यदि बच्चों याद आ रहा हो तो ये वो क्वेश्चन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल उनके भी परपेंडिकुलर इंटर करता है तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकलता है। तो वहां एक फॉर्मूला लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है क्यू वी बी और इसकी होती है इलेक्ट्रिक QE। तो क्यू से की कटता है और यहां से बनता वी और ई, वी बराबर ई बटे बी। ये अपने आप में मेडिकल का ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। और ये भी कहां से आता है? QV याद है, F=QV×V से, राइट? तो ये चलता रहता है। तो आप ये फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला है ये। तो ये दोनों डायमेंशन, वी मल्टीप्लाई 1/V कैंसिल आउट हो गया तो डायमेंशन लेस हो गया, विमाहीन हो गया। आगे चले डियर, फिर आ गया वो अभी लिखा मैंने सी की स्पीड, यानी C=1/μ0ε0। तो आपका फोर्थ आंसर हो गया। आगे चले डियर, अब ये एक बड़ा अच्छा इक्वेशन, मैं चाहूंगा पवन सर आप समझाएं इसको कि इसका आंसर माइनस जे कैसे आया, थोड़ा बच्चे एक्सप्लेन करें आप। देखो, हमारे पास जो वेव की इक्वेशन दी हुई है उसमें अपने पास एक तो है ओमेगा, एक तो ओमेगा टी होता है। Yes. और एक kx होता है। Yes. पर यहाँ x के बजाय हमें क्या दिया हुआ? y दिया। मतलब ये वेव जो है वो y डायरेक्शन में जा रही है। अब प्लस और माइनस की बात करते हैं तो देखो, जब भी ओमेगा टी और ky अगर दोनों प्लस में हो तो इसका मतलब वेव जा रही होती है माइनस में, और जब इस तरह से ओमेगा टी माइनस ky या माइनस ओमेगा टी प्लस के वाई हो, कुछ भी हुआ, तो इसका मतलब वेव जाती है प्लस वाई में। बट यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ दोनों प्लस में दिए, तो माइनस में जा रही है। तो ये वेव जा रही है माइनस वाई में, माइनस वाई मतलब माइनस जे के। मेरे साथी ने एक्सप्लेन किया पूरा, इसीलिए आप जानते हो, मैं खाली करना बोर्ड एक बार, आप जानते हो बोर्ड खाली करना। ओके डियर, आप जानते हैं y=to a sin omega t minus kx, ये जा रही है प्लस अक्ष पे, और यदि y=to a sin omega t plus kx है तो ये जा रही है माइनस अक्ष पे। ओके डियर, ए बोर्ड को साफ कर देते हैं अपन यहां से। ओके, तो ये बात यहां पर आ गई। अच्छा, ये कोस साइन कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कोस साइन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो डियर, कोस है तो स्टार्ट यहां से हो जाएगा, साइन है तो स्टार्ट यहां से, क्या फर्क पड़ता है? ये पेंडुलम है एक, ये यहां से स्टार्ट होता है तो साइन आ जाएगा, स्टार्ट यहां से होता है तो कोस आ जाएगा, और जब हिलता देखो पेंडुलम में तो आपको नहीं पता मोमेंटम स्टार्ट है कहां से हुआ था। ओके, गति स्टार्ट कहां से हुई थी। आगे चले, तो अब वापस आए, तो ये किस पे था? वापस आए उस पे
EM वेव का वापस आए तो ये माइनस जे पे माइनस जे आपका आंसर आ गया इसका। आगे चले अब आ जाओ डियर, ये हमारा लाडला क्वेश्चन है भाई। V की वैल्यू दी है और I की वैल्यू दी है तो V इक्वल टू फॉर्मूला हो गया पुत्र 100 साइन 100 टी और आपका I का फॉर्मूला हो गया 100 साइन 100 टी प्लस पाई बाई थ्री। अगला कहता है आपको शक्ति चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो पावर तो बाद की बात है, सबसे पहले तो आप इसका निकालो ओमेगा टी, ओमेगा निकालो। देखो दी गई इक्वेशन को कंपेयर कर लो दिए क्वेश्चन से तो ओमेगा टी का मतलब है 100 टी। ओमेगा टी इक्वल टू जैसे 100 टी को टी टी कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा का मान आ गया 100। फिर आता है वीओ आई का फेज, तो आई तो साइन में, एक बार फेज निकालने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों साइन है दोनों कोस है। हाँ तो दोनों साइन है तो सीधा आंसर क्या आ गया पाई बाई थ्री, ये कौन आ गया फाइव। अब भैया आपको क्या चाहिए, अच्छा ये कौन है वी नोट, ये कौन है आई नोट। अब हमें वी आर एम एस चाहिए तो 100 बाई रूट टू, 100 बाई रूट टू। अब बात केवल किस पे टी की फॉर्मूले पे, तो आप लिखो फॉर्मूला क्या है इसका पावर का, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला आता है वी आर एम एस आई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव कोस फाइव। ये लो जी मैं कलर चेंज कर दूं, देखो यहां से ये ब्लैक कलर कर दिया तो व्हाट इज वी आर एम एस 100 बाई रूट टू, व्हाट इज ई आर एम एस 100 बाई रूट टू, दिस इज कोस 60, कोस 60, व्हाट इज कोस 60 वन बाई टू। देखो डियर रूट टू 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 फोर, फोर को काटो कितना बचा 25, तो 2500 आ गया 2500। अब इसमें आंसर नहीं है कोई बात नहीं है, ये आपका 25 को मल्टीप्लाई किया ये यस यस अपने आप हाथ में रुक गया। ये करंट करंट देखो दोस्तों करंट, यहाँ मिस प्रिंट थोड़ा भैया ये मिस प्रिंट है, ये करंट मिली एम्पियर में है। तो जैसे ही 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 10^-3 से दिस इज 2.5 वाट आ गया। अब इसमें सब कुछ आ गया, एसी का एसी इक्वेशन आ गई, ई आर एम एस आ गया, पीक आ गया, आई आर एम एस आ गया, फेज आ गया, फॉर्मूला आ गया और ये करेक्शन मिली एम्पियर है, ये निश्चित रूप से आपका मिली एम्पियर का 10^-3 से मल्टीप्लाई होगा तो ठीक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। आगे चलें डियर, अगला प्रश्न हमारा है वो कहते हैं चार्ज ऑफ 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 27 मिली इंडक्टर, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑक्सीडेशन इज ऑफ द सर्किट। दोस्तों मुक्त दोलनों की आवृत्ति, तो दुनिया का एक ही फॉर्मूला है एफ इक्वल टू 2π√LC। बोलो हाँ या ना। और इसमें ओमेगा पूछा है तो ओमेगा पूछा तो कोई बात नहीं है, ओमेगा पूछा तो ओमेगा निकाल देंगे। ओमेगा क्या होता है भैया, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf, तो 2π उधर ले जा इट बिकम्स ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया 1/√LC, तो √LC आ जा। एल क्या डियर, एल है 27 मिली हेनरी। देखो ध्यान से देखो 27 मिली मिली मतलब 10^-3, एल कितना पुत्र सी 30 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड है, 30 माइक्रो मतलब क्या हुआ बोलो -6। ये लो डियर अब आप एक चीज देखें, ये आपका 30 है ये आपका 27 है, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो 7 × 3 = 2 = 81, रूट क्या हो गया 9 हो गया ना, ये आपका 10^-3 ये -9 ठीक है ना, एक जरूर है वो जरूर तो कम करेगा इसको, कम करेगा, तो 9 8 हो गया, 8 का मतलब क्या हुआ 10^-4 -4। अब ऐसा कोई आंसर नहीं, ऊपर ले जाओ भैया तो 9 × 10^4 ऊपर आ जाएगा, 4 आ जाएगा 9 4, अब आ जाओ अब इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसा कुछ कर लेंगे अपन है ना, तो ये आ जाएगा अपना 1.1 × 10^3। तो ये अब ये अपने आवश्यकता नहीं भाई, ये क्वेश्चन की आवश्यकता है, हमें ऑब्जेक्ट मिलाना है, तो ये अभी अपने आप में फॉर्मूला है और यही आप याद हो बच्चों यही है सीरीज LCR सीरीज रेजोनेंस, LCR का श्रेणी क्रम अनुनाद। जब LCR को आप जोड़ते हो सीरीज में और जब वो रेजोनेंट कर लेते हैं वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं FR, LCR सीरीज रेजोनेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, FR इक्वल टू 1/2π√LC। क्लियर, आगे चलें। चलो भैया वो आ गया, लो मेरा क्वेश्चन ये सीरीज रेजोनेंस आ गया। LCR सर्किट है जी क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर का मान 0.4 है, R का मान ये है, C का मान ये है, देन वैल्यू ऑफ इंडक्शन। देखो भाई सीधी सी बात है, आपको क्वालिटी फैक्टर निकालना है Q और मैं इसका फंडा है क्यू अक्ष होता है डियर, क्यू अक्ष होता है, तो आपका क्यू जो है क्यू सॉरी गलत बोल गया क्यू 10π होता है। Yes, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं पर रोकूंगा इसको, क्यू क्या होता है 10π होता है और 10π क्या होता है इसका मेरे पास मास्टर फंडा है जीरोक्स मशीन ZRX, ये 5 फेज है, 10π होता है x / r, तो q = माय डियर क्या हुआ x / r हो गया,
ओके डियर, अब एक्स अपॉन आर, अब एक्स में आप देखो क्या है, केवल सी है, एल और सी होते दोनों काम लेते हैं, केवल क्या है सी है, तो आ जाओ डियर आगे चलो, तो एक्स के मान आता है ओमेगा सी, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स सी, और एक्स सी क्या होगा वन अपॉन ओमेगा सी, आर नीचे पहले से है, तो डियर ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू आपको इसमें बस नहीं है अलग फॉर्मूला इसका, अलग तो नहीं है फॉर्मूला यही है, और मैं इसको इससे निकालूंगा, देखता हूँ चिंता मत कर, बंद करके मेरा एक बार क्यू को टेंशन नहीं बोलता, तो डियर ये अपना क्वेश्चन वापस आ गया कि ये कहता है एल सी आर किस में है सीरीज में है, और क्वालिटी फैक्टर केवल दी हुई है, आर का सी का मान दिया एल का मान पूछा है, एक एग्जैक्ट फॉर्मूला है आप लिखें क्यू इक्वल टू वन अपॉन आर अंडर द रूट एल अपॉन सी, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इनकी वैल्यू पुट कर गुणा भाग में करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा आपका, इसकी गुणा भाग जैसे करेंगे हम लोग तो डियर इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, देख रहा भाई इसका आंसर बन गया सेकेंड 0.064 हेनरी, 0.064 हेनरी, आप करके देख लेते यार करना चाहो तो, लोग खास बात नहीं, इतना टाइम वीडियो बनाओ टाइम वेस्ट होगा, इसका आंसर मूल बात कौन है पुत्र फॉर्मूला है, ओके आगे चले क्वेश्चन 9, वो कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ करंट इन द इंडक्शन इज, अगला साहब कहता है प्रेरकत्व में धारा के दोलन की आवृत्ति क्या है जी, करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये आपका C, ये आपका 2C, ये आपका L, ये आपका 2L, तो फ्रीक्वेंसी दोलन की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है, तो आप लिखें फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अपना वही है जो पहले वाला था, बिल्कुल 2π रूट है L C, लेकिन यहां L इफेक्टिव आ जाएगा, यस यस उसी बात कह रहा हूं मैं, तो L तो क्या हो गया 3L हो गया, ध्यान दे क्लास, F इक्वल टू 2π, L तो कौन से ऑर्डर में है सीरीज में है, तो सीरीज तो L तो वैसे काम रेजिस्टेंस जैसे R काम करता है, वो तो कितना हो गया 3L, बट CO2 से कौन से में है पैरेलल में है, फिर किस काम सीरीज काम करेंगे, ये फिर कितना आएगा 3C आएगा, इस 3 को बाहर निकाल लो, इतना क्या हो गया 6π√LC, एक बात बताऊं मैं, पेज खाली करना भाई, आपके सिलेबस में 6 चीज है, स्प्रिंग का K, बल्ब का P, रेजिस्टेंस का R, कोइल की L, कैपेसिटर का C, ध्यान सुन लेना, लल्लू राम एक तरफ है, केपी सिंह एक तरफ है, लल्लू राम का मतलब है फंडा के हमने L और R का तो सेम रूल है, के पी सी इनका उल्टा होता है, यानी कैपेसिटर सीरीज में है तो रूल R के P पैरेलल काम आएगा, के स्प्रिंग का K, P बल्ब की P, C कैपेसिटर का C, 5 या 6 कोई नहीं है, खत्म एक साथ ही, कंफ्यूजन नहीं है कोई, आगे चलो, तो 10वां क्वेश्चन, फोटोन एनर्जी इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे भाई याद आ रहा है क्या, इक्वल टू 12400 लैम्डा इन अंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपना आ जाएगा, अब लैम्डा को चेंज करना पड़ेगा आपको अंगस्ट्रम, तो आंसर क्या बनता है इसे, फिर इसमें 2 आ रहा है लैम्डा में और 12400 2 से डिवाइड करेंगे 62 आएगा, एक ऑप्शन 62 दिया, एक दिया हुआ है, बाकी गुणा भाग आप कर ले, कैलकुलेशन आप कर ले, क्योंकि वीडियो को इतना लंबा करें तो फिर आप बोर जाओगे वीडियो से, आगे चले भैया 11 नंबर आ जाओ, ए साइनसोइडल अल्टरनेशन करंट ऑफ पीक वैल्यू आई नोट पासिस थ्रू ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर, व्हाट इज द मीन पावर आउटपुट ऑफ द हीटर, अधिकतम आयाम आई नोट की प्रत्यावर्ती धारा प्रतिरोध आर के हीटर से प्रभावित होती है, तब हीटर की उत्पन्न हो सकती क्या, बताना भैया फॉर्मूला शुरू कर दो, इसमें सिंपल अपना जो पावर का फॉर्मूला होता है इसी सर्किट में VRMS IRMS cos phi, ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है, अब कोई बात केवल रेजिस्टेंस है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है डियर, तो कोई ओनली आर है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, 1 होगी, तो VRMS क्या होगा कोई बात नहीं, पीक में ले लो भैया, तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट बाई रूट टू होता है, तो ये आई नोट बाई रूट टू क्यों, और ये आपका क्या है आर, ये भी क्या आई नोट बाई रूट टू, तो उत्तर हो गया आई नोट स्क्वायर आर 2/2, आंसर आ गया लो जी, ये लाउन था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले भैया हेलो चलो फिर पढ़ो वही, फिर आपका आ गया एल सी आर सर्किट करंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 600 हाफ पावर पॉइंट आर 650 550 क्वालिटी फैक्टर, भैया ये मुझे कुछ तो इस तरह से याद आ रहा है, ये ऐसा डायग्राम बनता है, ये एक एनर्जी है FR होता है, कितना पुत्र 600 है क्या, तो 650 इसके आगे आएगा और 550 इसके पीछे आएगा,
ये लो जी इसका क्या पूछा है इसने, क्वालिटी फैक्टर पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्या दी रेजोनेंस पर दिन दे दी, चलो आ जाओ निकाल दो इसको भैया। इसमें सिंपल सा अपना फैक्टर फार्मूला होता है डेल एफ आर अपॉन डेल्टा एफ, डेल्टा एफ यस छह सौ है, ये 650 माइनस 500 है, आंसर आ गया 6। एफ आर अपॉन एफ आर का मतलब है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और डेल्टा का मतलब है बैंडविड्थ, यस दिस इज बैंडविड्थ। तो आप देखो क्योंकि दो फॉर्मूले थे दोनों आगे आगे चले। वो कहता है एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टिव सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया तो कौन सा कर सकते हैं, प्रतिरोध के साथ रेजिस्टेंस के साथ जोड़ोगे तो पहली बात तो फाइव इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है भाई, एल में 90 होता है सी में 90 होता है, यहां भी लफड़ा रहा है एल में भी 90 सी में 90 बट सी में 90 में आई आगे होती है फंडा हमारा, दारिद्र में धारा आगे होती है, कैपेसिटर में करंट आगे होता है और एल में आई पीछे होती है, इसलिए और वो एंगल जो है वो नापते हैं विथ रिस्पेक्ट करंट, विथ रिस्पेक्ट करंट ये बहुत बड़ी बात है इसमें, तो एल के अंदर करंट क्या होती है पीछे होती है, सी में करंट क्या होती है आगे होती है, इस एक प्लस 90 होता है एक माइनस 90 होता है, सारी बातें एक साथ क्लियर कर दीजिए। पहला पॉइंट है धारा विभव से आगे मतलब ही नहीं है, धारा मतलब ही नहीं है, धारा विभव दोनों एक समान कला में रहते हैं, लो जी थर्ड आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना, चलो भैया आगे बढ़ो, हम हमारी की भी चेक कर लेते हैं की में करेक्शन तो नहीं है कोई, तो बिल्कुल दोस्तों आपका सही हो गया। तो ये बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, ये है फेज, फेज का क्वेश्चन था कि फेज कैसे कैसे होता है। आजा भैया अगला साहब कहता है इन अरेंजमेंट सोन इन गिवन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी इन इंक्रीजिंग, देखो इधर करंट जा रही है, इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल, भाई कॉमन सेंस की बात है कि इधर करंट जा रही है, ठीक है डियर, तो इधर करंट जाए तो करंट बढ़ रही है, तो एक फंडा सुन लो, बढ़ता है तो बढ़ने मत दो, घटता है तो घटने मत दो, ये करंट बढ़ी तो इसमें इंडक्शन होगा, करंट बढ़ेगी तो उसका विरोध करे, विरोध कैसे करे रिपल्सन से करेगा, और करंट में रिपल्सन अट्रैक्शन चार्ज का उल्टा होता है, सेम चार्ज हो तो अट्रैक्शन हो, सेम रिपल्सन होता है, सेम चार्ज हो तो रिपल्सन होता है बट सेम करंट हो तो अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्शन होता है बट अपोजिट करंट हो तो रिपल्सन होता है, तो आपको रिपल्सन करना है, तो मेरे हिसाब से भैया इसका ये बन गया एस, तो एस का मतलब क्या हुआ दक्षिणावर्ती। 14th का आंसर दोस्त क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया, मास्टर फंडा है, मुझे पता है आपका तरीका लगाते हो इसमें, बढ़ता है तो बढ़ने मत दो, घटता है तो घटने मत दो, बिल्कुल फिट हो गया कार्यक्रम, या आपके पास और तरीका है सॉल्व करने का इसका, इसका एक लॉजिकल मेथड है, जैसे करंट अगर बढ़ रहा है तो इसका पहले मैग्नेटिक डायरेक्शन देख लेंगे, तो इस करंट की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड आएगा डॉट ऊपर क्यों रहेगा, अब करंट बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा, तो यहाँ का जो फ्लक्स है डॉट में वो बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए खुद का फ्लक्स अंदर बनाएगी, बनाओ तो खुद का फ्लक्स अंदर आने के लिए जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस माना चाहिए, क्रॉस का मतलब जब करंट क्लॉकवाइज जो बात हुई आ गई, ठीक है ये फिजिक्स हो गई, हमारा फंडा हो गया, बढ़ता है तो बढ़ने मत दो, घटता है तो घटने मत दो, आगे चलो। चलो भैया फिर आपका क्वेश्चन आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रॉन गिवन बाई ई का मान बी वाई का मान दे दिया द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, चलो बताओ भैया इसको निकालो, अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, इसमें जो आपके पास यहाँ पे बी वाई दिया हुआ है ये बी वाई में एक तो अपना जो साइन वाला फैक्टर जो भी होता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेम वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, सेम आएगा, तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ कुछ चेंज किसी में किया हुआ है क्या, तो इसमें सारे सेम दिया, सारे सेम दिए मैं इधर जेड और ये सारी वैल्यू यहाँ सेम दिए, तो अपना ये तो हो गया अंदर वाला पार्ट सही, अब जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है अपन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूएशन निकालेंगे, ई बराबर बी इंटू सी होता है, तो बी होता है 2×10⁻⁷ और सी होता है 3×10⁸, तो ये आ जाएगा अपने पास 660 आ गया, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए इनमें, तो ये वैल्यू दे रखी है, अब 60 और 60 दो ऑप्शन है, अब अपने पास यहाँ पे देखना है कि जो यहाँ पे वेव है वो प्लस जेड डायरेक्शन, एक मिनट सुन ले भैया, ये बी वाई पर है तो वो ई वाई पे तो नहीं हो सकता, अब आ कर हम एक्स चौथा हो गया जी, जो आप खुद कह रहे हो सर्वे सर कि एक्स वाई एक साथ हो नहीं सकते एक दूसरे के, क्या बात है बड़ा लॉजिक। चलो जी इस प्रश्न को एक बार फिर से समझाते हैं, मोबाइल चालू रखते रखें, मोबाइल का मतलब शूटिंग, देखो पहला प्रश्न तो ये है कि अंदर की दुकान चेंज नहीं होगी, तो अंदर की दुकान चेंज चारों में नहीं हो रही, आप भूल गए पड़े, अब अपने पास B से E आया, ये तो B है, E चाहिए, तो अभी अपने क्या कहा E इक्वल टू क्या होता है BC, सही कर रहा हूँ क्या, बिल्कुल E इक्वल टू क्या होता है BC, तो B इक्वल टू BC आएगा, B क्या है
ये रहा सी कितना है जो आप निकाल के बताया अभी, तो वो 60 आ गया, तो ये दो दुकान पैक खत्म होगी। अब आपके पास कौन बचा, इन दो में से कोई बचा, अब इन दो में से कोई बचा तो पता लगा बी वाई है, तो जो बी वाई है वो ई वाई हो नहीं सकता, इसलिए आंसर एक्स हो गया। फिट चलो आगे चलो 16 में आ जाओ भाई, साफ साफ है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 2200 को 220 में कन्वर्ट करता है, शक्ति 880 है, इफिशियंसी 88 है। चलो सर उधर आए आप, निवेशी का मतलब क्या, देखो देखो इफिशियंसी का मतलब होता आउटपुट बटे इनपुट, ओके डियर, और इफिशियंसी दी है 80% है, तो ये आप तो इधर देखो 80/100। अब है आउटपुट, आउटपुट किसका, पावर का, वी मल्टीप्लाई आई, वी मल्टीप्लाई आई किसका, आउटपुट का, तो आउटपुट का वी कितना है 220, ठीक है डियर, आई कितनी है अगर आपको नहीं दी, डायरेक्टर ने पावर दे रखी, पावर दे दी, सीधी पावर दे दी, इसे छोड़ो बात ही नहीं है, तो आउटपुट पावर कितनी है 880, नीचे पावर क्या है निकालनी है, तो आप इसको पी को निकाल लो, पी आउटपुट है, तो साहब कहता है उसके द्वारा प्राप्त शक्ति डिलीवर्ड बाई आउटपुट, ये तो ना तो 88/P, तो इसको टिका डियर ये कितनी बार, 10 बार, तो पी का मान क्या आ गया, हजार आ गया, ओके हो गया, तो आउटपुट पी कितना हुआ, P आउटपुट कितना है, तो P इक्वल टू क्या होगा V आई, अब P तेरा कितना आया हजार आया, V तेरा कितना है 220 है, तो क्या निकालना पुत्र, करंट निकालना है, तो 2200 निवेशी, ओके ओके 2200 बिल्कुल 2200 निकालना है, तो I इक्वल टू क्या आया हजार बट्टे 2200, अब 10/22, तो 10/22 पुत्र 2288 2/5 आगे, तो 0.4 में कुछ आंसर इसका आएगा, पर अपने इसमें ऑप्शन दिए हुए, अब 0.4 में भैया पूरा बुढ़ापा नहीं, 4.6 है, स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर ऑफ स्लाइड एज रेजिस्टेंस आर मूव इन द प्लेन विथ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी वी परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द स्लाइड साइड यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन लूप इन फिगर द करंट इन इंड्यूस्ड इन द लूप इज, देख भाई सीधी सी बात है, अगला साहब कहता है एल लंबाई का वायर है, आर प्रतिरोध एक खुद वर्ग के तले भुजा के लंबवत वी वेग से मूव कर रहा है, तो इसका बी क्या है कौन, तो इस लूप में जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या होगी, तो आप आ जाए देखिए इसमें जब कोई भी रोड अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अगर वो ऐसे मोशन करते हैं BVL होना है, BVL मैग्नेटिक R का डिवाइड करके करंट तो BVL / R हो गया, BLV होता है, अब यहां पे कैसी दो साइड है, इन दोनों में EMF आएगा, इसमें भी और इसमें भी, तो ये दोनों आपस में फिर कैंसिल कर देंगे सर, तो अपना आंसर आ जाएगा इसका जीरो, जीरो आ जाएगा, अच्छा फील्ड के अंदर ही अभी है, ये आप फील्ड के बाहर नहीं आया, वो तो तब होता है फील्ड के बाहर आता है, यस यस की बात मैंने पकड़ पाया, तो आंसर क्या हो गया, क्योंकि अंदर कभी कोई इंडक्शन फ्लक्स ही चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, यस आवाज आगे चले, आगे चलो भैया, अभी दुनिया का सिंपल क्वेश्चन है, वो कहता है कि चुंबक के आघूर्ण एम का लूप समरूप भी इस प्रकार रखा हुआ है कि अस्थायी साम्यावस्था में इस लूप को थीटा कोण से घुमाने में क्या क्या कार्य क्या है, तो वर्क का फॉर्मूला अपन जानते हैं, तो आप बताएं इस चीज़ को बताएं, अच्छा क्वेश्चन बन गया अपने आप, अपना जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा यू मतलब कि यू टू माइनस यू वन, और यू का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा इनिशियल टू, ये माइनस की वजह से एक्चुअली वो टू वाला मैंने पहले लिख दिया, तो माइनस और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा वन, अब इसको हम अरेंज करेंगे थोड़ा सा, तो अपना जो बेसिक फॉर्मूला जो आता है वो ये आता है कॉस थीटा वन पहले आता है और थीटा टू बाद में आता है क्योंकि माइनस थे इस वजह से, yes. अब हमें थीटा वन इनिशियल दिया हुआ है अस्थायी साम्यावस्था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है उसमें अपना थीटा जो होता है वो होता है 180, यस, अब वहां से आप इसको कितना, हम किसको कितना घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, वहां से हम इसको थीटा घुमा रहे हैं, तो थीटा टू जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, वहां से हमने इसको थीटा घुमाया, तो ये अपन जो एंगल लेते हैं किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट का एंगल अपन लेते हैं बी की डायरेक्शन से, yes. अब मैं यहाँ से थीटा घुमा रहा हूँ तो मेरा एंगल यहाँ से क्या बचेगा 180 माइनस थीटा नहीं पाई माइनस थीटा, तो थीटा टू आ जाएगा मेरे पास पाई माइनस थीटा, yes. अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे उसका सॉल्व करेंगे अपना आंसर बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, तो वैल्यू पुट, ये अच्छा तो इसका आंसर बन गया बना फर्स्ट एक माइनस एक्स्ट्रा क्यों बाहर आ जाएगा, इस क्वेश्चन की सुंदरता यही है कि इसने आपको जो एंगल दिया है वो स्टेबल से नहीं दिया,
वैसे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में निकलता नहीं है, बट ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सीधे याद रखना, इसको सॉल्यूशन कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये डायरेक्ट से एक अप्रोच होती है जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको करना होता है, फिर भी आप चलो कर दो इसको। इसमें अपना जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है उसकी अपने बात करें तो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड इधर आता है तो इसका एक एज कंपोनेंट आता है और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आता है। सही है। तो इसमें जो एंगल अपन लेते हैं एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल से लेते हैं अपन ये वाला। सही है। तो इसको अपन डेल्टा बोल देते हैं। अब एक दूसरा प्लेन है जिसका इधर से एंगल बन रहा है थीटा। तो एज कंपोनेंट का भी कंपोनेंट करना पड़ेगा अपन को बी एच डैश, ये हो जाएगा बी एच कॉस थीटा। अब टेन डेल्टा को अपन क्या लिखते हैं, बी वी बाई बी एच बी एच। ओके, अब टेन डेल्टा डैश को मैं क्या लिखूंगा, बी वी अपॉन बी एच डैश डैश, वो चेंज हो गया, बी वी अपॉन बी एच कॉस थीटा। अब बी वी अपॉन बी एच बन जाएगा टेन डेल्टा, तो ये टेन डेल्टा अपॉन कॉस थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये टेन डेल्टा सेक थीटा, ये मेरा आंसर बन गया, सेकंड आंसर हो गया। सही आंसर, ये लो जी आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चले। अब अगले क्वेश्चन 20 के बाद पवन सर कराएंगे आपको, पवन सर हम चलते हैं आप क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है बच्चों, मेरी इच्छा रहती है आपसे बीच में बात करने की, बाकी फिर से कह रहा हूं मैं 22 मार्च से ही आप देख रहे होंगे गुरुनीति वीडियो आपको मिल चुके हैं हमारे, आप तो 23 रोज देख रहे सॉल्यूशन, 22 मार्च से नवरात्र के फर्स्ट डे से 16 वीडियो आपको 15 अप्रैल से पहले दिए जाएंगे, जिसमें नीट 2013 से नीट 2022 के PYQ को टॉपिक वाइज सोल्ड करके हम शूट कर रहे हैं। CLCC के यूट्यूब चैनल जुड़े रहे, जुड़े दोस्तों को। ओके डियर, पवन सर आप अपना काम कंटिन्यू रखें जी। तो बच्चे शुरुआत करते हैं हमारे अगले 20 नंबर क्वेश्चन से। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको एक लूप दिया हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो इसकी साइड लेंथ जो है वो बी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में फैला हुआ है उसकी विड्थ है ए के बराबर। अब आपको ये बोल रहा है कि इसमें टोटल कितने टाइम तक EMF आएगा। तो देखो, एक टाइम तो वो हो गया जब ये कोइल इसमें एंटर करेगी। कोइल जब एंटर करेगी तो उस केस में क्या होगा, ध्यान समझना बेटा। कोइल जब एंटर करेगी, जैसे मान लो कुछ इतनी कोइल इसमें एंटर हो चुकी है, तो जो ये वाली साइड है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है, ये वाली साइड जो है, इसमें जनरेट हो जाएगा EMF। ठीक है, तो इसका मतलब जब तक ये कोइल पूरी डिस्टेंस कवर करेगी तब तक तो EMF आना ही है। तो इसका मतलब मेरे पास पहला जो इंटरवल आया जिसमें EMF आएगा वो आएगा ए बाई वी डेल्टा T1 इंटरवल। फिर एक टाइम ऐसा होगा इस इंटरवल के बाद ये पूरी कोइल जो है वो इसमें एंटर हो जाएगी। अपन इसको देख लेते हैं, ये पूरी कोइल इसमें एंटर होगी, थोड़ा सा इसका बाहर बचेगा। क्यों? क्योंकि इस कोइल की साइड लेंथ जो है वो ज़्यादा है और मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ कम है। तो इसका मतलब इस टाइम तक तो क्या होगा, EMF बढ़ेगा। अब जब तक ये कोइल इसमें इस तरह से आगे बढ़ेगी, है ना, मतलब जब ये वाली साइड यहाँ आ गई और ये वाली साइड एंटर होगी, तब तक क्या होगा, इसका जो एरिया है ना वो है एकदम कांस्टेंट। मतलब जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में एरिया है वो है कांस्टेंट। तो इसका मतलब अब इस दौरान इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल तक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस कोइल में कोई EMF नहीं आ रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये साइड भी बाहर है और ये भी जस्ट बाहर हो जाएगी, तो फिर कोई भी साइड में EMF नहीं आएगा, इन दोनों में तो वैसे भी नहीं आएगा जो हॉरिजॉन्टल साइड उनमें। तो इसका मतलब इस इंटरवल तक कोई EMF नहीं आएगा। तो ये वाला जो इंटरवल है डेल्टा T2 यहां से यहां तक का, इसमें कोई EMF नहीं आ रहा है। तो ये शुरुआत से जब एंटर होना शुरू किया और यहां से लेके ये वाला इंटरवल, तब तक तो अपने पास क्या आ रहा है, EMF। उसके बाद जब ये कोइल यहां से पूरी बाहर निकलेगी, मतलब इस कंडीशन तक, तब तक इसमें वापस देखो ये वाली साइड जो है इसमें EMF बनेगा इस वाली साइड में। तो यहां से यहां तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ए। तो जो दूसरा मेरा डेल्टा 3 इंटरवल है वो है ए बाई वी। तो अब देखो मेरे पास दो इंटरवल है जिसमें EMF आ रहा है, बीच का ये डेल्टा T2 इंटरवल, उसमें EMF नहीं आ रहा है। तो मेरे पास टोटल टाइम कितना हो गया, ए बाई वी प्लस ए बाई वी, मतलब 2A/V मेरा आंसर हो गया इसका सेकंड। इसमें कोई कन्फ्यूजन, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये इसका सेकंड आंसर हो गया। 21 में हम बात करते हैं, एक हाफ सेमी सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस R है और इसको रोटेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड आपको क्रॉस रीजन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा अपने पास कंसेप्ट होता है, जब भी आप किसी वायर को रोटेट करते हो, रेंडम अगर वायर हो तो हमेशा एल इफेक्टिव लेना होता है। तो इसका एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, इसका एल इफेक्टिव होगा 2R। और अपने पास फॉर्मूला क्या होता है EMF का, EMF का फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, है ना। एल लेंथ की रॉड को अगर हम रोटेट करें तो उसका जो EMF आता है उसमें फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब यहाँ एल इफेक्टिव कितना है, 2R। तो यहाँ 2R पुट कर दो बेटा आप,
तो 2r जैसे ही पुट करेंगे ये आ जाएगा 2b ओमेगा r स्क्वायर, तो 2b ओमेगा r स्क्वायर मेरा आंसर आ गया सेकंड आंसर, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कंसेप्ट क्या था, L इफेक्टिव काम में लेना है। जैसे आपके पास एक प्लेन रोड अगर होती है तो उस केस में आप इसका जो फॉर्मूला यूज़ करते हो वो यही वाला काम में लेते हो, तो केवल L की जगह L इफेक्टिव आएगा। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं हम हमारे 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल रीजन में आर रेडियस का रीजन है, उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये इस तरह का रीजन है प्लेन के बाहर, और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। बी जो है वो कांस्टेंट रेट से चेंज होता है, मतलब कि डी बी बाई डी टी जो है वो आपको दिया हुआ है कांस्टेंट, इस रेट को मैं मान लेता हूँ सी, और आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस आर के साथ ग्राफ बनाना है। तो बेटा यहाँ पे जो अपने पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो, अपने पास जो ई एम एफ होता है ना, ई एम एफ का कंसेप्ट क्या होता है इसमें, कि जो ई एम एफ या ई से मैं लिख देता उसको, वो होता है डी फाई बाई डी टी, है ना। अपन खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं भी, और ईएमएफ को मैं क्या लिखता हूँ, ई डॉट डीएल इंटीग्रेशन डी फाई बाई डी टी। फाई का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया, और डीबी बाई डी टी। अब यहाँ पे आपको डीबी बाई डी टी दिया हुआ है कांस्टेंट, तो एरिया आ जाएगा इधर और डीबी बाई डी टी आ जाएगा। अब इसमें एरिया कौन सा होगा, इफेक्टिव एरिया जिसकी हम बात करते हैं, तो इसमें से ये ई डीएल को आप बाहर ले लो, एरिया हो जाएगा अपने पास जो उसकी हम बात कर रहे हैं जिसमें आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये डीएल क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे बात कर रहा हूँ, तो एक मुझे इसे लूप मानना पड़ता है, लूप मानने के बाद में इस लूप की जो लेंथ आती है इंटीग्रेशन करने पे वो क्या आती है, 2πr, और एरिया क्या आएगा इसी लूप का लेना, ये इफेक्टिव एरिया होता है जो अपन ने लूप लिया उसका एरिया अंडर, तो ये कितना आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये कॉन्स्टेंट हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2π, सॉरी ये आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2πr और सी। तो देखो ये कट जाएगा, एक r कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा r बाई टू सी। अब देखो c तो कांस्टेंट हो गया r, तो e जो है जब तक रेडियस से कम, मतलब r लेस देन कैपिटल r की मैं बात कर रहा हूँ, उस केस में तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, r की सिंगल पावर। तो r की सिंगल पावर का मेरे पास ग्राफ एक तो ये है, है ना, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन बचे मेरे पास। अब इसमें देखो बाहर वाला जब आप पॉइंट लोगे, तो बाहर वाले पॉइंट में जब आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो आपको लेंथ तो पूरी उस लूप की लेनी पड़ेगी स्मॉल आर के हिसाब से जो 2πr आ गया। आउट के केस में क्या आ जाएगा आपके पास, e आउट 2πr, 2π स्मॉल आर, लेकिन जो आप एरिया इफेक्टिव लोगे वो एरिया इफेक्टिव क्या जाएगा, केवल पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो बाहर का एरिया है उसमें तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा खाली वो अंदर वाले एरिया का ही आएगा। आप स्मॉल आर कितना भी बढ़ा दो उससे केवल ये 2πr तो बढ़ेगा, बट ये फ्लक्स वाला पार्ट जो है वो केवल कैपिटल आर तक ही, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू सी। तो ये अपना आर ग्रेटर देन आर वाला केस, तो इसमें क्या आ जाएगा अपना आंसर, ई आउट इज पाई आर स्क्वायर सी अपॉन 2πr, मतलब E आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसमें कोई कन्फ्यूजन, तो अपना जो ग्राफ बन जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा इस केस में। और ध्यान रखना C क्या है, C मैंने dB by dt को माना हुआ है, क्योंकि रेट कांस्टेंट दी है ना मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की। तो ये इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दोनों एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये कंसेप्ट काम आता है अपना EM वेव में। ओके आगे बढ़ते हैं हम 22 के बाद 23 पे। तो 23 में अपना ये बोल रहे हैं कि एक मैग्नेट जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर रहा है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है, और वहां पे एंगल ऑफ डिप कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। 3 सेकेंड दूसरे प्लेस पे, जब आप अर्थ के किसी दूसरे प्लेस पे चले गए जहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना है 30 डिग्री, वहाँ 60 डिग्री, वहाँ टाइम पीरियड कितना आ रहा है 3 सेकेंड। तो ये बोल रहे हैं कि रेशियो जो मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पे आएगा उसकी रेशियो बताना है। टाइम पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला था 2πrooti अपॉन एम बी। आई क्या होता है, मैग्नेट का इनर्शिया, एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा आएगा, ये डेल्टा एंगल डिप एंगल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा बी कॉस डेल्टा। अब इसमें रेस्पॉन्सिबल कौन है, मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसका मतलब यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, बी एच,
मोशन केबल कौन से प्लेन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो आपको बी एच लिखना है। तो इस केस में आ जाएगा मेरे पास 2 पाई, आई आई कितना आ जाएगा अपने पास, अब इसमें खाली रेशियो की बात कर दी तो पूरा इक्वेशन लिखने के बजाय डायरेक्ट इसको, और ये आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन एम बी कॉस डेल्टा। ठीक है, तो मेरे पास टी वन बाई टी टू लिखूंगा मैं, तो और ये बी इन्वर्स में आ रहा है तो ऊपर आ जाएगा बी टू कॉस डेल्टा टू बी वन कॉस डेल्टा वन। तो बी टू कितना आ जाएगा, बी टू आएगा मेरे पास, अभी बी टू बी वन का तो रेशियो इन्होंने पूछा है अपन से, तो बी टू बी वन रख दो। कॉस डेल्टा टू कितना दिया अपन को, 60, तो कॉस 60 आ जाएगा इधर। इनिशियल एंगल क्या था, 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखो टी वन टी टू का रेशियो आपको कितना दिया है, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, तो यहाँ पे रख दो 2/3 बी टू बाई बी वन, कॉस 60 होता है 1/2 और ये होता है √3/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास बी टू बाई बी वन 1/√3, ये आ गया। अब मुझे बी टू बी वन का रेशियो बताना है तो एक बार मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा 4/9 बी टू बाई बी वन, और इधर जाएगा 1/√3, तो मेरे पास बी टू बाई बी वन कितना आ जाएगा 4√3/9। अब हमसे पूछा है एक्चुअली बी वन बाई बी टू, तो इसको उल्टा कर दो, तो बी वन बाई बी टू कितना हो जाएगा 9/4√3, तो 9/4√3 ये आ गया अपना थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो 23 का आंसर यहाँ तक आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन। आगे बात करते हैं अपन 24 की। 24 जो है इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, किसी बार मैग्नेट के लिए जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो तो उसमें स्मॉल m इंटू एल इफेक्टिव लिखते हैं। स्मॉल m क्या होता है, इसकी पोल स्ट्रेंथ, और l इफेक्टिव होता है दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन, है ना, एक प्लस m एक माइनस m मान लेते हैं अपन, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं l इफेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ ध्यान समझना, पहले मैग्नेट जो थी स्ट्रेट थी, आपने फिर उसको मोड़ दिया, है ना, तो पहले एक बार स्ट्रेट मैग्नेट को सॉल्व करते हैं अपन, कि मैंने स्ट्रेट मैग्नेट के लिए अगर मुझे m लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल m इंटू l, ये l इसका सेपरेशन हो गया। फिर बाद में मैंने इसी मैग्नेट को मोड़ के इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, है ना, अब इसका जो यहाँ पे सेंटर से एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60, है ना, और ये जो रेडियस जितनी डिस्टेंस, ये भी रेडियस जितनी डिस्टेंस, तो ये जो यहाँ पे l इफेक्टिव आएगा वो l इफेक्टिव। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, ये दोनों एंगल इक्वल, साइड लेंथ इक्वल है, तो ये दोनों सामने के एंगल भी आपस में थीटा और थीटा इक्वल आएंगे। अब किसी भी ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180, तो इसका मतलब थीटा प्लस 60 मिला के आएगा 180, तो आपका थीटा कितना आ जाएगा 60। थीटा 60 आते ही आपको ये पता लगेगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होने का मतलब एल इफेक्टिव कितना आएगा, आर के इक्वल, इसका मतलब एल इफेक्टिव आएगा आर के इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों जो साइड होती है वो इक्वल होती है, तो इस केस में एल इफेक्टिव आर के इक्वल आ गया। अब मुझे आर भी तो निकालना पड़ेगा, तो देखो जो इसकी लेंथ है ना, ये लेंथ है, तो लेंथ और आर में क्या रिलेशन है, हमें पता है कि एंगल बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, एल बराबर क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर, ये थीटा हमेशा किस में होता है, रेडियन में, तो रेडियन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 आर एल, तो आर कितना आ जाएगा मेरे पास 3 एल अपॉन पाई। अब मेरे पास जो कंसेप्ट था एम इंटू एल इफेक्टिव, यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ एम की जगह एम, एल इफेक्टिव कितना आ जाएगा मेरे पास आर की इक्वल, और आर की वैल्यू क्या है 3 एल बाय पाई। अब देखो m और 3 बाई पाई को तो बाहर निकाल लो, m और l, तो ये कितना हो गया 3 बाई पाई कैपिटल M, ये आ गया अपना फोर्थ ऑप्शन, इसमें कोई कन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये आपका 24 आ गया, मैं फोर्थ ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं 25 पे, एक बार नोट कर लो बच्चों यहाँ तक। 25 में आपको बोला है कि किसी भी प्लेन में जो नमन कोण मतलब कि डिप एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 0.5 ओरस्टेड है, तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है। देखो सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो टोटल में अपन कॉस डेल्टा कंपोनेंट लेते ना, है ना, तो ये बी एच होता है, मान लो बी इस तरफ है, ये बी वी है और ये डेल्टा है, तो ये आ जाएगा डेल्टा। तो अब इस केस में बी एच कितना हो गया मेरे पास, ये इन्होंने 0.5 यानी हाफ ओरस्टेड दिया हुआ है, बी पूछा है कॉस डेल्टा कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी √3/2
वन बाई टू, तो बी कितना हो जाएगा वन बाई रूट थ्री, तो मेरा आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। ओके आगे बढ़ते 26 में आपको एक कोयल दी हुई है जिसके एरिया है 100 और टन से 50। कोयल को दो इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया 210^-2 में और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना। तो परपेंडिकुलर रखने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है अपने कोयल को रखा हुआ है, मतलब कि इस तरह से ये कोयल है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया, जीरो। अब इसमें बोल रहे हैं कि ईएमएफ अगर 0.1 वोल्ट है ना, मतलब इसमें फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, ये होगा ना इसका, तो इसमें आपको 0.1 वोल्ट ईएमएफ है तो आपको बताना है कितने टाइम में इसको बाहर निकाला होगा। तो देखो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो खाली वैल्यू की बात कर रहे हैं तो जितना फ्लक्स पहले था वो सारा जीरो हो गया, एन इंटू बी इंटू ए, पहले फ्लक्स था बाद में आपने इसको जीरो कर दिया, टाइम टी मान लिया। ईएमएफ कितना दिया है 0.1, एन कितना दिया आपको, एन दिया हुआ है 50, बी कितना दिया हुआ है 210^-2 और एरिया, एरिया कितना दिया आपको 100 cm² / t, टी यहाँ पे अभी आ गया। अब देखो इसके बाद आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, तो इसमें से टी क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 2 ये 100 ये 3 0 ये, तो 3 पावर इधर कम कर दो, -1 -3 आ जाएगा और 5 2 10 और ये आ जाएगा 0.1 और, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.01/0.1, तो मेरा आंसर आ गया 0.1 सेकेंड, तो मेरा आंसर आ जाएगा 26 का फर्स्ट। इसमें कोई कन्फ्यूजन बेटा, तो ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो था बिल्कुल ईजी चल रहा है, फॉर्मूला जो था आपका फ्लक्स का वो आपको काम में लेना है। आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट हमारे 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो 27 क्वेश्चन में आपको देखो मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोल रहे कि एक करंट कैरिंग वायर और एक रॉड जो है वो एक ही प्लेन में और आप इसमें वी वेलोसिटी से वायर के पैरेलल को लेके जा रहे हो, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो इसमें करेक्ट है ना पोटेंशियल की रिगार्डिंग। तो देखो सबसे पहले तो अपन यहाँ देख लेते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें आएगा वो आएगा अपने पास वायर में करंट है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड रूल लगाओगे तो ऊपर तो आएगा डॉट और इधर आएगा क्रॉस, ठीक है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आया, आपने अब इस रॉड को ऐसे मूव करवाया, तो अपना जो पोलैरिटी चेक करने का तरीका होता है अपने पास ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है उसमें अपन ये राइट हैंड रूल लगाते हैं, ये उंगलियाँ क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है, अंगूठा क्या होता है मोशन की डायरेक्शन जो कि इधर है, तो उंगलियाँ मैग्नेटिक फील्ड मोशन की डायरेक्शन इधर, तो हथेली की डायरेक्शन क्या होती है, हथेली की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव यानी कि एंड की डायरेक्शन मतलब हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन। तो इसके हिसाब से देखें तो पॉजिटिव एंड किधर आया ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, मतलब कि ए क्या हो जाएगा, ए का पोटेंशियल जो है वो बी के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब आंसर हो गया इसका फोर्थ ऑप्शन। इसमें कोई डाउट, आगे बढ़ते अपन अगला क्वेश्चन 28। तो 28 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है और आपको ये बोला कि इसमें नेट फोर्स एफ और नेट टॉर्क लगता है, तो इसमें क्या बातें सही है। तो किसी भी मैग्नेट को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, ठीक है, और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो अपने पास यहाँ पे फोर्स जो है वो हमेशा जीरो आता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि इसके जो पोल्स होंगे ना उस पर देखो नेगेटिव पोल पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पॉजिटिव पोल पे इधर फोर्स लगता है, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट इसलिए नेट फोर्स जीरो हो गया, लेकिन क्या दोनों की लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेम है क्या, नहीं, इसका मतलब ये टॉर्क क्रिएट करेंगे, टॉर्क क्रिएट करेंगे तो इस केस में क्या रहेगा अपने पास, टॉर्क जो है वो इसका फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। अब ये थीटा पे डिपेंड करेगा कि टॉर्क जीरो आएगा या नहीं आएगा, थीटा अगर जीरो है 180 हुआ तो टॉर्क जीरो आ जाएगा, थीटा जीरो 180 के अलावा कुछ भी हो तो टॉर्क नॉन जीरो आएगा, तो टॉर्क जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है और फोर्स तो पक्का जीरो ही होगा, अपना ऑप्शन हो गया फर्स्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक एसी सर्किट का पार्ट दिखाया गया है जिसमें रेजिस्टेंस है 0.2 ओम है ना, और यहाँ पे VA-VB 0.5 वोल्ट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 0.5 और ये
करंट के चेंज होने की रेट, करंट में भी चेंज कौन सा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, करंट टाइम के साथ बढ़ रही है। तो देखो इधर जाने वाली करंट अगर बढ़ेगी तो इंडक्टर तो अपोज करेगा, तो इसका प्लस इधर माइनस इधर, और रेजिस्टेंस तो हमेशा ही करंट को अपोज करता है, तो ये प्लस माइनस इधर। तो अब यहाँ पे वी ए माइनस वी बी को मैं क्या लिखूंगा, फिर इसमें जो ड्रॉप है वो एक्चुअली दोनों पे कंज्यूम हो जाएगा, वी एल प्लस वी आर। तो ये कितना दिया आपको, इसका वी एल का फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी, और वी आर होता है आई इंटू आर, और ये हो जाएगा डेल्टा वी जो दोनों एंड्स पे। कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, यानी कि 0.5 यहाँ रख दो। एल कितना दिया आपको, एल आपसे पूछा है तो एल की जगह एल, करंट में चेंज होने की रेट 8, आई कितना दिया हुआ है 0.5, और आर कितना दिया आपको 0.2। 0.5 और 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे 0.1 आएगा, तो ये आपका आएगा 0.8, 8L 0.1, तो 8L बराबर 0.4, L कितना हो जाएगा 0.4 बाई 8, कितना हो गया, ये आ जाएगा आपके पास 4/80, यानी कि 1/20, 1/20 आ गया, तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 0.05, फोर्थ ऑप्शन। इसमें कोई कन्फ्यूजन, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आ गया। आगे बढ़ते 29 के बाद, 29 का 30 पे, 30 में आपको एक वायर दिया हुआ है PQRS, और इसमें आपको बताना है सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो इसके तीन पार्ट हैं, एक तो ये है P से Q, एक है S से T इन्फिनिटी तक जा रहा है, और एक है सेमी सर्कुलर पार्ट। तो देखो सबसे पहले डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, इस वाले पार्ट के से डायरेक्शन क्या आएगी, राइट हैंड रूल से देखेंगे तो अंदर। इस वाले पार्ट की डायरेक्शन क्या आएगी, ये करंट इधर, फील्ड अंदर, देखो पॉइंट इधर है ना, अंदर की तरफ उंगलियां जा रही, तो ये बी क्रॉस, और इसकी वजह से देखो करंट इसमें भी तो ऐसे आएगी ना, तो इसकी वजह से देखो करंट ये है, तो अंगूठा किधर आया, अंदर। तो तीनों की वजह से फील्ड जो है वो क्रॉस में ही जा रहा है, मतलब तीनों जुड़ेंगे, माइनस तो होगा नहीं, तो माइनस होगा नहीं, तो माइनस आ रहा है इसमें, ये तो गलत हो गया पहले। इसमें केवल किसका फील्ड दिया आपको, इसमें केवल आपको कोयल का फील्ड दिया, वायर का दिए नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसमें तो कोयल का भी सही सीन दिया हुआ है, खाली वायर का दिया हुआ है। तो अब अपने पास यहाँ पे एक्चुअल आंसर बनेगा ए की, तो ऑप्शन अगर आपने तीन गलत निकाल लिए तो आपका चौथा बचा सही है, मैं बता भी देता हूँ क्या सही है। सेमी इनफाइनाइट का फील्ड होता है मी नोट आई अपॉन 4πr, डी का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को डी बोलते हैं ना, तो डी बराबर आर है। ऐसे कितने टुकड़े मेरे पास सेमी इनफाइनाइट वाले, दो। उसके बाद मेरे पास एक हाफ कोयल भी है, हाफ कोयल पूरी कोयल का फील्ड होता है मी नोट आई अपॉन 2r, हाफ कोयल में 1/2 आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे इसको आप कॉमन ले लो मी नोट आई, तो यहाँ बचेगा 1/2πr प्लस 1/4r, ये आ गया है ना। तो वैसे तीन ऑप्शन गलत दिख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट टिक कर सकते हो, सॉल्व भी करो तो ये इजी है। 30 के बाद अपन आगे बढ़ते हैं 31 पे। 31 में आपको यहाँ पे वापस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक बताना है, तो देखो इसको अलग अलग कर लो, एक पार्ट तो आपका ये है और दूसरा पार्ट ये है ना। तो देखो इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा डॉट में, तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा डॉट में, और कोयल की वजह से क्या आएगा, कोयल की वजह से आएगा क्रॉस में, तो यहाँ अब माइनस होगा, ये तो कोयल की वजह से है B2, और ये वायर की वजह से B1, B1 है डॉट में, B2 है क्रॉस में। तो पहले वायर का निकाल लेते हैं, वायर का कितना आएगा, B1 आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, और कोयल का कितना आएगा B2 आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब इसमें देखो D का मतलब यहाँ पे वो आ रही है, अब देखो इसमें भी अपने पास जो है ना, आपको यहाँ पे मे नॉट आई अपॉन 2r कॉमन ले लो, तो अब इसमें तो आएगा 1 और इधर 1/π। भाई बड़ी वैल्यू इसमें ध्यान रखना, ये है, ये छोटी वैल्यू है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, अब पाई भी बाहर निकाल लो, तो मे नॉट आई अपॉन 2πr पाई माइनस 1। अब इसमें देखो यहाँ पे ऑप्शन में ना 2πr नहीं, यहाँ मीनोट अपन 4π के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसको मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मीनोट आई अपन 4πr तो ये बन जाएगा, साथ में 2i और आ जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा मीनोट अपन 4π 2i अपन r पाई माइनस 1, मेरा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है। केवल लास्ट में जाके आपको ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर अरेंज करना है बस, कोई कन्फ्यूजन में। तो 31 का आंसर हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी 31 का हो गया फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद आते हैं हम हमारे 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ कि एक स्क्वायर है जिसमें करंट आई हो रहा है, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो देखो किसी भी स्क्वायर की साइड लेंथ अगर आपको एल दिया हुआ है,
तो इसमें एक साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी को चार से मल्टीप्लाई करना होता है ना, ये एंगल 45 आता है, ये एंगल 45 आता है, ये जो डिस्टेंस होती है डी वो आती है एल बाई टू, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 45, ये फॉर्मूला होता है ना साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ऐसे मेरे पास चार साइड है तो चार साइड का फॉर्मूला मुझे चार से मल्टीप्लाई करना है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो डी के इनवर्स डिपेंडेंसी में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, और यहाँ डी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एल बाई टू, तो इसका मतलब बी एल के इनवर्सली डिपेंडेंट है, थर्ड आंसर इसका हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन, 32 का थर्ड। तो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों अपने पास 33 में अपने पास दो करंट कैरिंग कोइल है और उनका कॉमन सेंटर है ना, और बिल्कुल आइडेंटिकल कोइल है ना, आइडेंटिकल कोइल है, कॉमन करंट है ना, लेकिन प्लेन एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, तो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब इस तरह का कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे ये कोइल है ना, तो देखो इस वाली कोइल का मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 इस तरफ आ रहा है, तो दूसरी वाली कोइल का मैग्नेटिक फील्ड B2 इस तरफ आएगा, तो जो नेट फील्ड आएगा वो कैसे निकालोगे आप, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब देखो दोनों कोइल आइडेंटिकल, उनकी करंट भी आइडेंटिकल, तो B1 और B2 दोनों सेम ही तो आएंगे, तो B और B का स्क्वायर मतलब √2 टाइम्स ऑफ B। अब ये बोल रहे हैं कि एक कोइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका रेशियो बताना, मतलब बी नेट अपॉन B1 मुझे बताना है, तो बी नेट अपॉन B1 कोई भी B1 या B2 कोई भी ले सकते हो, एक ही बात है, तो बी नेट कितना है √2B और एक कोइल का कितना है B, तो कट के कितना आ जाएगा √2/1, मेरा आंसर हो गया 4th है ना। इसमें ध्यान रखना एक कोइल का जो रेशियो है वो बाद में लिखना है, पहले टोटल वाला लिखना है, कई लोग टोटल को बाद में लिखेंगे तो उसका जो गलती हो जाएगी ऑप्शन में, तो ध्यान रखना टोटल पहले उसके बाद उसका रेशियो बताना है विद रेस्पेक्ट टू वन कोइल, ठीक है। अगला आता है 34 में आपको यहाँ पे आपको दो यहाँ पे लूप दिया, ये पार्ट दिया हुआ है दो सेमी सर्कुलर लूप, तो इसमें भी वापस ध्यान रखना हर पार्ट को अलग अलग कर लो है ना, तो एक तो पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये और चौथा पार्ट ये है ना, 1, 2, 3 और 4, हर पार्ट की वजह से सेंटर पे कितना फील्ड आएगा वो देखना है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ध्यान रखना फर्स्ट और थर्ड पार्ट की वजह से फील्ड जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट हो वायर की डायरेक्शन में, वायर की लेंथ के अलोंग, तो उस पर फील्ड जीरो आता है उन वायर्स का, तो 1 और 3 का तो जीरो आ जाएगा इस ओ पॉइंट में। अब मेरे पास आया R2 और R1, तो देखो ये तो है मेरे पास रेडियस R1 और ये रेडियस है R2, तो डायग्राम से दिख ही रहा है कि R2 जो है बड़ी रेडियस है, अब हमें पता है हाफ पार्ट का, अब इसमें देखो डायरेक्शन जो देख लेते हैं पहले, इसकी वजह से भी आएगा क्रॉस और इसकी वजह से भी क्रॉस, तो दोनों की वजह से क्रॉस ही आ रहा है, तो इसका मतलब मैं B1 B2 दोनों क्या करूंगा जोड़ूंगा, तो वापस देख लो जोड़ने वाले बेटा एक ही ऑप्शन देख रहा है अपने पास यहाँ पे, तो अपना जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 4th है ना, जोड़ने वाला तो एक ही ऑप्शन है ना, बाकी तो आपकी जो है सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एक में तो खाली आपको फर्स्ट कोइल का फील्ड दिया है, दूसरे में सेकंड पार्ट का दिया है, तीसरे में आपको माइनस करके दे दिया, माइनस तो होगा नहीं, दोनों क्रॉस में है तो जुड़ेंगे, तो आपका आंसर आ गया इसका 4th। ऐसे ऑप्शन क्रॉस चेक करना भी सीखो आप। 35 में आप बात करते हैं, 35 में आपके पास यहाँ पे आपको बोला है कि किस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। अब देखो जीरो किस केस में होगा, आपको यहाँ पे जब करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी तो फिर दोनों का इफेक्ट जो है वो, जैसे मान लो ये I/2 चली जाए, ये भी I/2 चली जाए, तो करंट जीरो आ जाएगी। अब इसमें देखो यहाँ पे भी, अब ऐसे समझो कि ये रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। अब इसमें देखना है क्या है R1 R2, अब R2 पहले है और R1 आगे, कोई बात नहीं, टोटल तो R1 प्लस R2 ही होना है, इस केस में भी R1 प्लस R2, इस केस में भी R1 प्लस R2, तो करंट जो है वो आधी आधी बढ़ जाएगी, I/2 इधर और I/2 इधर। लेकिन इसमें देखो ये R1 और ये भी R1, ये R2 और ये भी R2, तो यहाँ R1 प्लस R1 और यहाँ R2 प्लस R2, तो रेजिस्टेंस दोनों साइड के अलग अलग आएंगे, तो करंट भी अलग अलग आएगी, इसलिए इफेक्ट कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो कैंसिल किस में हो रहा है, पी और आर में, तो पी और आर में जो है वो जीरो बन जाएगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। 35 का मेरा आंसर हो जाएगा इसका 4th ऑप्शन, इसमें कोई कन्फ्यूजन बेटा। अगला आता है अपना 36 में, देखो आपको यहाँ पे बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इंडक्टर होता है इसमें एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो सिंपल सी बात है, इंडक्टर में एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है और कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, तो ये आ जाएगा अपना मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में 2nd ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अपन हमारे 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे
मोशनल ईएमएफ में दोनों एंड्स के बीच में कितना डेल्टा ई आ रहा है वो बताना है। तो डेल्टा ई क्या होता है, बी एल वी। अब ये एल हमेशा ध्यान रखना, एल इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब एल इफेक्टिव कैसे निकालूंगा, समझना इसको। ये मेरे पास एक ट्राइंगल जैसा, मतलब ऐसे बैंड वाला वायर है, ये एंगल थीटा बाई टू हो जाएगा और ये भी हो जाएगा थीटा बाई टू। ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें एल इफेक्टिव में बोलता हूँ इस डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक की। तो एक बार मैं इस डिस्टेंस की वैल्यू एल डैश निकाल लेता हूँ पहले। एल डैश कितना आएगा, उसमें भी ये वाला पार्ट स्मॉल एल दिया हुआ है, तो एल डैश आ जाएगा मेरे पास स्मॉल एल साइन थीटा बाई टू। और एल इफेक्टिव कितना आएगा, देखो एल डैश ये, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा एल डैश, तो ये हो जाएगा टू एल डैश, यानी कि टू एल साइन थीटा बाई टू। तो इसकी वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो ये आएगा बी एल इफेक्टिव आ जाएगा टू एल साइन थीटा बाई टू और v, तो बी एल वी टू साइन थीटा बाई टू। 37 नंबर क्वेश्चन में आ गया फर्स्ट। उसके बाद आपका आंसर आएगा, अगला क्वेश्चन आता है 37 के बाद 38। तो 37 का आपका आंसर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसमें, है ना। और आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते थे, कैसे भाई, इसमें अगर ये एंगल थीटा के बजाय थीटा अगर 180 होता तो ये पूरी रॉड ऐसे हो जाती ना, थीटा अगर 180 होता तो पूरी रोड ऐसे हो जाती, तो आपकी जो एल इफेक्टिव 2L के बराबर रहता। तो 180 डालने पे देखो 2L आंसर आएगा, तो अपना आंसर भी 2L इससे ही बनेगा, वो बाकी सारे ऑप्शन गलत है इसमें, है ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ गया। 38 में आपको यहाँ पे बोला है कि प्रोटॉन अल्फा और न्यूट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ आपके सेम मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर लगा रहे हैं, तो आपको इनकी रेडियस का रेशियो बताना है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एम वी बाई क्यू बी रूट टू के एम बाई क्यू बी। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है, सबसे पहले प्रोटॉन, फिर कौन आ रहा है अल्फा, और फिर कौन आ रहा है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा, अब देखो काइनेटिक एनर्जी सेम दे रही है ना, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, रूट एम और क्यू, क्योंकि बी तो सब में सेम है। तो रूट एम, अब प्रोटॉन का मास एम मानता हूँ, तो अल्फा का मास हो जाएगा 4m और इसका चार्ज हो जाएगा 2e। प्रोटॉन का अगर ई चार्ज माने तो, और न्यूट्रॉन का मास होता है 2m और इधर चार्ज हो जाएगा ई, तो कितना आएगा मेरे पास, ये देखो ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये कट के 1 रूट 2, तो मेरा आंसर इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका इजीली आंसर इसमें आ रहा है। आगे हम बढ़ते हैं 39 पे। 39 में आपको यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में 10 आई केप में थ्रो किया गया है, तो इसका पाथ कैसा होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आई केप में है ना, और वेलोसिटी इस तरफ है u बराबर 5i प्लस 4j। तो इस केस में ध्यान रखना है जो एंगल बन रहा है वेलोसिटी और b के बीच में वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है मतलब जीरो तो बनेगा नहीं क्योंकि इसमें j कंपोनेंट भी है, तो ये जीरो से 90 के बीच का एंगल बनेगा, तो थीटा लेस देन 90 जीरो जो भी है। अब देखो थीटा अगर 0, 90 और 180 के अलावा कुछ हो, थीटा 0 और 180 पे तो बनता है स्ट्रेट पाथ, थीटा 90 पे बनता है अपना सर्कुलर पाथ, उसके अलावा कोई भी एंगल हो तो हमेशा पाथ कैसा बनता है, हेलिकल। तो मेरा यहाँ पे हेलिकल पाथ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, मतलब पार्टिकल जो है वो यू ऐसे घूमते घूमते जाएगा, स्प्रिंग में होता है ना इस तरह से। 39 के बाद आता अपना 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में देखो एक सिंपल सा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक इनफाइनाइट लेंथ वाला जो पाइप है ना, पाइप, अच्छा पाइप का मतलब क्या होता है, पाइप हमेशा होलो होता है ना। एक तो था सॉलिड वायर, सॉलिड वायर जो होता है पूरा अंदर से सॉलिड होता है, लेकिन पाइप जो है वो इस तरह से है, मतलब ये खाली ये है, अंदर इसमें कोई मटेरियल नहीं है, तो करंट जो है वो केवल कहाँ बहेगी, सरफेस पे, है ना, इस तरह से। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि इसमें पाइप के अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एल एम्पियर लॉ के हिसाब से, वो होता है म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। जब आप r लेस देन कैपिटल r लेते हो, स्मॉल r मान लो मैं इतना से ले रहा हूँ बस, है ना, तो स्मॉल r में इतना से ले रहा हूँ, एक्सेस से डिस्टेंस काउंट करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका समेशन ऑफ i इनक्लोज्ड आएगा जीरो, और जब करंट ही जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड तो आने का सवाल ही नहीं होता, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो का ये बात सही है, रीजन भी सही है, तो यहाँ पे अपना एक्सप्लेनेशन सही है इसका, ये तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारे
वन फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका, है ना। इसके बाद आते हैं हम हमारे 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन में चलो आते हैं। क्या दिया भाई, दो चार्ज पार्टिकल आपको दिए हुए हैं एक्स और वाई, जिसको आप सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हो, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, और इसमें सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर रहे हैं, और ये आर वन आर टू रेडियस के पाथ पे मोशन कर रहे हैं। तो आपको इनके मास का रेशियो बताना है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी होता है रूट टू के एम बाई क्यू बी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। किसी पार्टिकल को अगर डेल्टा वी वोल्टेज से एक्सेलरेट करें तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वो, क्यू डेल्टा वी एम बाई क्यू बी। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा अपने पास, अच्छा इसका चार्ज इक्वल दिया हुआ है देखो, है ना, तो इक्वल चार्ज भी दिया हुआ है, तो अपने पास यहाँ पे आएगा तो रूट डेल्टा वी आ जाएगा, साथ में मास आ जाएगा, डिवाइड में क्यू आ जाएगा, है ना, साथ में टू भी अंदर है और ये बी जो है वो बाहर है रूट के। तो देखो बी तो सेम है, क्यू सेम है, टू, अब एम और डेल्टा वी भी सेम दे दिया, तो डायरेक्टली एम बचा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एम। इसका मतलब यहाँ पे एक्स और वाई के लिए आपको मास का रेशियो बताना है, तो उसकी रेडियस क्या दी हुई आपको, आर वन बाई आर टू इक्वल्स टू मास ऑफ एक्स बाई मास ऑफ वाई का स्क्वायर, ये रूट आ गया, अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो आर वन बाई आर टू का स्क्वायर इज एम एक्स बाई एम वाई। तो आपका आंसर आ जाएगा इस केस में आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर। 41 का आंसर क्या आ गया अपना, फर्स्ट थर्ड आंसर, ठीक है। तो 41 का आंसर हो गया थर्ड। आगे हम बढ़ते हैं हमारे 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें आपको यहां पे देखो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यू स्पीड से आता हुआ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है उसमें एंटर करता है, तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ टाइम बाद उसके किसी y कोऑर्डिनेट से वो कुछ टाइम बाद v स्पीड से निकलेगा। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें फोर्स कितना लगेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, आगे की तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स आया ऊपर, लेकिन तो इलेक्ट्रॉन है ना नेगेटिव, तो जिस हथेली से डायरेक्शन है उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो इस केस में आ जाएगा मेरे पास फोर्स डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रॉन यू घूम जाएगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा लेस देन जीरो और वी स्पीड तो चेंज होती नहीं है इसलिए स्पीड सेम रहेगी। तो बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन में आपको जेड एक्सिस के अलोंग एक वायर रखा हुआ है जिसमें माइनस जेड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो बिल्कुल इस तरह से करंट को अब मैं यहाँ पे क्रॉस से दिखा रहा हूँ, ये क्रॉस मतलब करंट वाला क्रॉस है, ठीक है। अब करंट अगर क्रॉस में है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरह से, ध्यान समझना, करंट जो है वो इधर जा रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का सर्किल मैंने बनाया, तो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको केवल ऑप्शन क्रॉस चेक करना सबसे बेटर स्ट्रेटेजी इस क्वेश्चन करने की। तो आप मान लो एक पॉइंट जिसको x, 0 कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया, तो इस पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, माइनस जे के। अब ऑप्शन क्रॉस चेक करो कि x की वैल्यू x और y की वैल्यू 0 पुट करने पे किसमें मेरा आंसर बन रहा है, तो इस केस में मेरा आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इसमें प्लस जे के आएगा, सॉरी y की वैल्यू 0 पुट करूँ प्लस आई के आएगा, गलत हो गया। इसमें अगर मैं y के लिए 0 पुट करूंगा तो मेरा आंसर प्लस जे के आएगा, जो कि गलत हो गया। इसमें अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा x i केप, i केप भी गलत हो गया, तो मेरा अपना आंसर जो आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन से आएगा, y की वैल्यू 0 पुट करने पे माइनस जे के आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्रॉस चेक करना सबसे बढ़िया काम है इस क्वेश्चन में, आपको किसी को प्रूव करके नहीं बताना है, आपको खाली आंसर सही टिक करना, जल्दी जल्दी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 44 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बेटा आपको यहाँ पे दो करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनमें फोर्स लगता है अट्रैक्शन फोर्स, तो इसका मतलब इसकी वजह से फोर्स आ जाएगा अपने पास, कितना आएगा बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या होता है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, तो म्यू नॉट आई आई अपॉन टू पाई डी का मतलब एक्स और लेंथ ऑफ वायर लिख दो एल, ठीक है। ये तो ए और बी की वजह से है ना, इसको मान लिया अपन ने एफ वन, तो एफ वन आ गया, फिर ए और कौन सा वायर लेना अपन को सी, करंट अभी भी सेम डायरेक्शन में ही है और इसमें करंट क्या है आई, इसमें करंट क्या है टू आई, जबकि पहले क्या थी आई और आई थी, तो अब देखो एफ टू क्या आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, डी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पहले डिस्टेंस एक्स थी, अब डिस्टेंस कितनी है बेटा टू एक्स, है ना, टू एक्स है ना टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ लिख दो टू एक्स और एल, पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है तो एल से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो अपना 2 से 2 वापस कट गया, तो आपका आंसर क्या आएगा वही F2 बराबर F1, मेरा आंसर आ जाएगा थर्ड, डायरेक्शन वाइज भी सेम है इसलिए माइनस वाला आंसर गलत है, क्योंकि दोनों ये भी तो देखो सेम डायरेक्शन में ना, तो F2 भी ऐसे लगेगा अट्रैक्शन फोर्स,
सेम डायरेक्शन में करंट टू अट्रैक्शन आता है, 44 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम 45 पे, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन में आपको यहां पे दो कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस डी है और आई वन आई टू जो है वो सेम डायरेक्शन में एक दूसरे पे एफ फोर्स ये लगा रहे हैं। आप एक तार में करंट को बढ़ा के डबल कर रहे हो, है ना, एक तार में करंट बढ़ा के डबल करी, दिशा भी रिवर्स कर दी, है ना, मतलब डायरेक्शन भी आपने रिवर्स कर दी और डिस्टेंस बढ़ा के 3D कर दिया। चलो एक बार देखते हैं क्या क्या कह रहा है। पहले दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट थी I1 I2 और डिस्टेंस थी d। अब आपने क्या क्या करा देखो, सबसे पहले आपने एक तार की करंट को डबल कर दिया। तो मान लो ये I1 है तो इसको मैं चलो 2I1 कर देता हूं और डायरेक्शन उल्टी कर दी तो डायरेक्शन भी उल्टी कर दो, डबल करके डायरेक्शन को उल्टा करना है। आई टू अभी एज इट इज रखा अपन ने और डिस्टेंस को भी 3D कर दिया। पहली चीज तो देखो बेटा, इसमें सेम डायरेक्शन में ना, तो फोर्स अगर ये एफ लग रहा है तो अब रिपल्जन लगेगा। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्जन होता है। तो एक तो माइनस में आंसर आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। तो प्लस वाले तो गलत, एक ही था प्लस वाला, तीन अपने माइनस वाले। अब माइनस में भी कितना आएगा चलो चेक करते हैं। एफ टू कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट आई टू टू आई वन अपॉन टू पाई डी की जगह आ जाएगा 3D और L। और F1 कितना आएगा आपके पास, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी एल। तो ये कितना हो गया मेरे पास, अब देखो 2 बाई थ्री को बाहर निकाल लो, बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 बाई थ्री एफ वन, है ना। अब 2 बाई थ्री एफ वन लेकिन साथ में माइनस साइन भी आएगा, तो मेरा आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें माइनस भी आ रहा है, कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें। अगला आता है 46 में आपको ये बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वेटर की तरफ जा रहा है ना, और डाउनवर्ड जा रहा है ना, मूव डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस नियर द अर्थ इक्वेटर विच ऑफ द डायरेक्शन। मतलब ये समझना, ये अर्थ की इक्वेटर है, अभी हम इक्वेटर लाइन पे खड़े हैं, है ना। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता हूँ, नॉर्थ साउथ करके समझाता हूँ, है ना। ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये इक्वेटर लाइन है ना। अब आपके एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर है, वेलोसिटी जो है वो क्रॉस में है, क्रॉस मतलब ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब समझना, मोशन है डाउनवर्ड, फील्ड किधर होता है, फील्ड होता है इधर। ये कौन सा कंपोनेंट है, एच कंपोनेंट। तो एच कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो देखो वेलोसिटी इधर, हाँ ये एच कंपोनेंट, ये वेलोसिटी अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा, ईस्ट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ना तो वेस्ट की तरफ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वेस्ट की तरफ, मतलब मेरा आंसर हो गया 4। तो नीचे गिरता हुआ इलेक्ट्रॉन जैसे यू गिर रहा ना, तो यू करके यू मुड़ जाएगा वो वेस्ट की तरफ, है ना। तो 46 का आंसर क्या हो गया बेटा अपना, 46 में आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि फोर्थ आंसर सही हो गया। अगला आता है अपने पास 47 में आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम दिया हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रही है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2.2 × 10⁴ है वोल्ट पर मीटर, एक्टिंग ऑन साइमल्टेनियसली ई परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर, मतलब तीनों परपेंडिकुलर है। और इसमें आपको बोला है कि ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है। डिफ्लेक्ट नहीं होने की कंडीशन क्या है, ई बराबर बी इंटू वी, मतलब वही क्यू ई को क्यू वी बी से बैलेंस करवा दो तो क्यू से क्यू कटेगा, ये आंसर आ गया। स्पीड बताना है कितना हो जाएगा, ई बाई बी। ई कितना है बेटा, 2.3 × 10⁴, ये है 2 × −3, ये आ जाएगा मेरे पास 1.6 × 10⁷, यानी कि 16 × 10⁶ मीटर पर सेकंड में आपका थर्ड आंसर बन जाएगा। तो कन्फ्यूजन बेटा इसमें। फिर आता है अपने पास 48 के बाद आपका आंसर 48 में आते हैं अपन। 48 में आपको बोला है कि टॉर्क जो है ना वो आपको गिवन है कोयल पे। देखो टर्न दिए हुए हैं, लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इस कोयल को रख दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, ये कोयल है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के पैरेलल में ही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो परपेंडिकुलर आएगा ना, तो इसका अंदर टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम एम बी साइन 90, तो ये 90 हो जाएगा थीटा। तो एम होता है एन आई ए बी टॉर्क। अब टॉर्क जो आता है वो कितना आ जाएगा अपने पास 0.2,
एन कितना है 100, आई कितना है इसमें 2, एरिया कितना आ जाएगा 4 और 5 सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि -4 मीटर स्क्वायर में आ गया। बी कितना है, बी तो बताना है ना, सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना रहेगा, देखो 3 जीरो से कटेगा तो 4 × 10⁻¹, इधर आ जाएगा 2 × 10⁻¹, तो बी कितना रहेगा 2/4 यानी कि 1/2, तो 0.5 टेस्ला अपना फोर्थ आंसर आ गया इसका 48 का, तो 48 का आंसर आ गया अपना फोर्थ। 49 की बात करते हैं तो 49 में देखते हैं अपन, 49 में आपको स्पेसिफिक चार्ज 10^8 कूलम पर केजी दिया हुआ है और वेलोसिटी इतनी दी हुई है ना, तो देखो आपको एक चार्ज दिया हुआ है, ये क्यू बाई एम की वैल्यू दिया हुआ है 10^8, वेलोसिटी दिया हुआ है 3 × 10⁵, और आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और इसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया उन्होंने 0.3 और एंगल थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आपको बताना है इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, रेडियस ऑफ हेलिक्स नहीं पूछा है, तो इसका मतलब ये थीटा तो हमें पता चल ही गया ना, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इस हेलिकल बात का पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सर्कुलर मोशन में आपने जो पढ़ा था ना फॉर्मूला वो याद करना है, तो वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर ये लगेगा, तो वी स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा डिवाइड बाई मास, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आता है भाई, वेलोसिटी के साइन थीटा कंपोनेंट कैसे फोर्स लगता है, डिवाइड बाई मास कर दो, तो वी से वी कटेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी साइन थीटा, नीचे आएगा इस केस में एम वी कितना बेटा, इसमें एम बाई क्यू बाई एम आपको दिया हुआ, मतलब ये क्यू बाई एम दिया ना 10^8, तो नीचे आ जाएगा। बी कितना दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है, साइन थीटा साइन थीटा साइन 30 कितना होता है 1/2 का 2 ऊपर चला गया, और वेलोसिटी 3 × 10⁵, तो देखो कितना आएगा इसमें, ये आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 2 × 10⁻², मीटर में आएगा तो सेंटीमीटर में इसका आंसर हो जाएगा 2, इसमें कोई कन्फ्यूजन, 49 का आंसर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगला आता है 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर में आपको यहाँ पे सिंपल सी बात पूछी है कि किस केस में इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, मुझे क्यू ई को क्यू वी बी से वी क्रॉस बी से बैलेंस कराना पड़ेगा, ये दोनों फोर्स अगर बैलेंस इक्वल हो गए तो इसका नेट फोर्स आएगा जीरो। तो अब इस केस में यहाँ पे फोर्स जीरो करना है, तो इसके लिए देखना समझना, इसमें पहले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, वेलोसिटी इधर, तो वी क्रॉस बी के हिसाब से बी इधर वी इधर, तो फोर्स आएगा जे केप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स के केप में आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का भी के केप में आ रहा है, गलत हो गया। सेकेंड वाले केस में देखो एक बार, तो मैग्नेटिक फील्ड का किधर आएगा फोर्स, फील्ड इधर है वेलोसिटी इधर है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा डाउनवर्ड, क्यू ई आएगा ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड क्यू ई अपवर्ड, ई अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका 50 का आंसर हो गया सेकेंड। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर अपना सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, आई होप आप लोगों ने सॉल्यूशन से समझा होगा, जहाँ भी आपकी दिक्कत है उसको नोट्स में ऐड करते जाएं उन कंसेप्ट को, उन कंसेप्ट को रिवाइज करते जाएं। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।